बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है अभी मेरे ब्राउन हो चुके हैं, तो फिर हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। अभी इसमें डाल रही हूँ ये काली मिर्चें, दालचीनी और ये तेज पत्ता, ये सब इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अभी ये अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के रखी थी, अभी इसका पेस्ट जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी ये आधा लीमू का रस, ये भी हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। माशाल्लाह अच्छे तरीके से, ये देखे मेरी कलेजी जो है भुनाई अच्छे तरीके से इनकी हो गई है, और मिसाले भी इसके अंदर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुके हैं। माशाल्लाह मेरी कलेजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, मेरी कलेजी जो है बहुत ही खूबसूरत बन गई है। अभी हम इसमें ये हरा धनिया जो है इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज देख रहे होंगे अंधेरा काफी हो गया है, आज जो है टाइम पर मेरी वीडियो जो है वो नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर मेरे घर में मिस्त्री लगे हुए थे, तो जो है दिन को मुझे टाइम नहीं लगा, तो वीडियो जो है मेरी नहीं बन पाई। तो अभी अभी जो है मैं ये सामान वगैरह रेसिपी का इकट्ठा करके मैंने रख दिया है, और शुरू कर रही हूँ बनाना, क्योंकि आज बना रही हूँ कलेजी फिश की, सॉरी चिकन की, चिकन की कलेजी जो है वो आज मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा जितना भी मुझसे बन पाएगा तो उतना ब्लॉग बना के बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी चलते हैं रेसिपी जो है वो बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने ये उबाल के रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर ना महक ना है, तो वो मेरे मिसाले वगैरह इकट्ठे हुए पड़े हैं, क्योंकि मैंने वो भी काट के रख दिया था, लेट हो रही थी तो इस वजह से आपको दिखाया नहीं है। सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली है, तो अभी बनाना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आग जो है वो मैंने जला ली है, अभी कढ़ाई जो है वो हम ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई भी मेरी ऊपर आ चुकी है। अभी घी जो है, कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर घी डालूंगी। तो ये मेरी कलेजी रखी है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा पहले उबाल लिया था, इसको फ्रिज में रखी थी तो बर्फ बनी पड़ी थी, तो मैंने कहा कि इसको ना उबाल के फिर जो है बाद में भुनाई कर दूंगी। तो अभी सिर्फ इसकी भुनाई रहती है, वही करने वाली है, तो भुनाई करते हैं और रेसिपी जो है तैयार करते हैं। मैंने कहा जब तक ये कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैं ये लहसुन और अदरक जो है इसको अच्छी तरह से कुटाई कर लूं, क्योंकि इसको कूट के रख दूंगी, फिर जो है भुनाई वगैरह मिसाले करूंगी, फिर बाकी का जो भी काम होगा वो करती रहूंगी। क्योंकि मिसाले जो है वो मैंने यहाँ पर वो दूसरे मिसाले वो भी डिब्बे में सब उठा के ले आई हूँ, और ये अदरक लहसुन मैंने कहा ये भी कूट लूँ अच्छे तरीके से। तो अभी जो है हम बनाते हैं, आज जो है काफ़ी लेट आएगी मेरी वीडियो, क्योंकि काम ऐसे कभी कभार आ जाते हैं कि इंसान को ना लेट हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी घी जो है इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी जो है अभी गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले ये प्याज ऐड कर देंगे घी के अंदर। ये देखें, और अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज जो है अभी मेरे ब्राउन हो चुके हैं, तो फिर हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे घी में, क्योंकि इसकी बच्ची खुटी जो भी महक होती है, स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, और ये अच्छे तरीके से ना फ्राई हो जाएंगे, तो फिर बाद में ना इसके अंदर मैं बाकी के जो मिसाले हैं वो डालूँ। अभी इसमें डाल रही हूँ ये काली मिर्चें, दालचीनी और ये तेज पत्ता, ये सब इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना ताज़ी ताज़ी बहुत ही मज़ेदार आती है। तो इसके बाद हम ये डाल देंगे सब्ज मिर्चें और टमाटर, ये मैंने काट के रखे हुए थे, और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अब बारी आ चुकी है हमारी
दूसरे मसालों के। सबसे पहले जो है ये इतनी सी मैं हल्दी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। और ये गरम मसाला पाउडर ये डालूंगी। और इसके बाद जो है ये लाल मिर्चें ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के रखी थी अभी इसका पेस्ट जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको भी इनके अंदर मिक्स कर देंगे। अभी बारी आ चुकी है नमक की। इसके अंदर नमक भी हम ऐड कर देंगे जितना हमें चाहिए होगा। और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये मसाले वगैरह जो है ये भी गल जाए इसके अंदर और इसका टेस्ट जो है अच्छा हो जाए। अभी ये आधा लीमू का रस ये भी हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है धनिया और इसको बारीक बारीक सा हम लोग काट लेंगे इसको ऐसे बिल्कुल बारीक सा हम काट के इसको रख देंगे क्योंकि धनिया जो है पहले भुनाई में हमने ये सबज धनिया नहीं ऐड करना और जैसे ही हमारी रेसिपी तैयार होगी तो हम ये सबज धनिया इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि इसकी खुशबू भी आएगी और दूसरी बात ये सबज धनिया के साथ हमारी रेसिपी जो है बहुत ही खूबसूरत बनती है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये देखें मेरी कलेजी जो है भुनाई अच्छे तरीके से इनकी हो गई है और मसाले भी इसके अंदर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ज़्यादा तो नहीं ऐड करेंगे लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बस गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड करें तो वो अच्छे और टेस्टी नहीं लगते तो इस वजह से हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और जो है फिर थोड़ा सा इसको पका लेंगे पानी को फिर हमारी ये कलेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। बस इतना जो है पानी मैंने ऐड किया है और इसमें पके का भी और पका के मैं इसको बना भी इसी पानी में बना कर फिर जो है रेसिपी तैयार करूंगी। अभी इसको ना बंद करके छोड़ देते हैं फिर 2 मिनट बाद जो है इसको देखेंगे। माशाल्लाह मेरी कलेजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। सुभान अल्लाह अल्लाह की शान मेरी कलेजी जो है बहुत ही खूबसूरत बन गई है। अभी हम इसमें ये हरा धनिया जो है इसके ऊपर हम डाल देंगे ये देखें और बहुत ही प्यारी बहुत ही मज़ेदार और मेरी कलेजी हो गई है तैयार। तो अभी जो है व्लॉग भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह कल मिलूंगी कि किसी न्यू रेसिपी के साथ। अभी चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।